सबको नमस्कार। तमाम मीडिया के बंधु जो बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास जब हमने बुलाया तो किसी न किसी बात पे जब भी हम बुलाते हैं वो अवेलेबल हुए। हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी तरीके से वो मदद करते हैं। तो आपके यहाँ आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम जो है। आज आपके सामने हम एक विशेष मुद्दा जो जम्मू कश्मीर सरकार ने एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी जो लेके आई लोकसभा चुनाव से दो दिन पहले उसका ऑर्डर निकला जिसमें जो आरक्षण था उसकी सीमा जो पहले 50% थी वो बढ़ाकर 60% जो है वो कर दी। उसके विरोध में हम यहाँ आप सबके सामने आए हैं सरकार तक ये बात पहुँचाने के लिए कि ये जो आपने किया है ये एक राजनीति के तौर पे लिया गया फैसला है जिस फैसले में आप एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करते हुए पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए आपने ये सब कुछ किया है। और क्योंकि हमारे यहाँ एलजी प्रशासन उसके राजनीतिक पार्टी जहाँ कोई सत्ता में नहीं थी लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और एलजी प्रशासन यहाँ से काम कर रहा है उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक हितों को देखा एक पर्टिकुलर एरिया को रिजर्वेशन को बढ़ा के दिया गया। और जो जनरल कैटेगरी है जिसकी पॉपुलेशन यहाँ पे लगभग 65-70% के बीच में रहती है अगर 2011 की सेंसस को हम लेते हैं तो उसको आपने 40% पे लाके रख दिया। इसका विरोध जनरल कैटेगरी और ओपन मेरिट क्योंकि मेरिट का तत्व इस माध्यम से जो है वो सरकार ने करने की योजना बनाई है इसको बर्दाश्त नहीं किया। हम इसको मेरिट का कत्ल इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि जो रिजर्वेशन पॉलिसी जिसने 60% जो सीट्स थी वो रिजर्व कर दी वहीं तक सीमित नहीं है क्योंकि दो नोटिफिकेशन और हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर हम देखें तो रिसेंटली कॉन्सेप्ट की 4000 पोस्टें आई उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 40%। तो जब हम नेट उसको नेट देखते हैं कि कितना जनरल कैटेगरी या ओपन मेरिट के लिए बचता है तो 20% सीट्स ओपन मेरिट के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 8-10% के बीच में बचता है। तो आप समझ सकते हैं कि जनरल कैटेगरी यहाँ पर ओपन मेरिट का जो जो हाल है वो जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है। वर्तमान में भी कोई बहुत अच्छा हाल है ऐसा नहीं है। हमने देखा इससे पहले पेपर लीक हुए उससे पहले बैकडोर एंट्रियां हुई तो अलग अलग तरीके से अगर शोषण किसी का हुआ है जनरल कैटेगरी का ओपन मेरिट का जो एक हत्या है मेरिट का जो कत्ल है होता है। अब एक उम्मीद थी कि भाई बहुत सारी चीजें जम्मू कश्मीर में बदलाव हुए लेकिन ये एक नया बदलाव ऐसा हुआ। बदलाव हमने देखे कि बदलाव कितने हुए उन बदलाव के चलते अगर ये वाला बदलाव देखे तो ये उनके ऊपर मतलब जख्मों पर नमक छिड़का सरकार। हम इसका विरोध कर लें और हम सरकार को अगले 10 दिनों का ये अल्टीमेटम है कि सरकार अपने इस फैसले पे पुनर्विचार करे अन्यथा पूरे जम्मू कश्मीर में हम यहाँ जम्मू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लेकिन कश्मीर में भी और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट जम्मू और कश्मीर संभाग में है वहाँ तमाम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन किसी ना किसी तरीके से दे रहे हैं। फिर वो चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशियों को जो एक फेस करना पड़ा था कि कई लोगों ने ऐसे कड़े प्रश्न उनसे जब किए कि रिजर्वेशन क्यों हुआ तो वो असहज महसूस करते थे उस वक्त। अगर वही स्थिति दोबारा से अब हमें मजबूर किया गया तो अब उससे बदतर स्थिति मिलेगी घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे कोई भी।